हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं बीसीए का थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर है डेटा स्ट्रक्चर का, उसका सॉल्व असाइनमेंट हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड जितने भी थर्ड सेमेस्टर के आपके असाइनमेंट्स हैं वो 7 या 8 हैं, 7 असाइनमेंट हैं, वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे बाई डे प्रोवाइड हो जाएंगे, राइट। फिलहाल इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो काफ़ी डिमांड थी कि थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर का कि आप जल्द जल्दी से वीडियो लाओ, है ना। तो उसके लिए भी मैंने अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया है एंड अभी जस्ट अपलोड करूँगी, ठीक है। तो वीडियो को इस बात पे लाइक कर देना क्योंकि ये वीडियो अभी किसी भी वेबसाइट या किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं हुआ है, इतने इतने जल्दी जल्दी सॉल्व असाइनमेंट नहीं अपलोड हो रहे हैं, तो इस बात पे सब्सक्राइब और लाइक तो बनती है ना, तो सपोर्ट करो, लाइक कर दो, ठीक है। सो स्टार्ट गेट लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको पता है 100 मार्क्स का होता है, ऑल असाइनमेंट्स आर 100 मार्क्स एंड डेटा स्ट्रक्चर फाइल्स, डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर है ये असाइनमेंट्स, ठीक है। और आपके हो सकते हैं फ्रंट पेज में ये आपको असाइनमेंट नंबर लिखने को दे, तो आप लोग यहाँ से ये बीसीए करके जो है वो लिख लेना। बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है बट 20-20 मार्क्स के हैं। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको इस से अच्छे से डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेन किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए। सो हियर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ अ राइटर एल्गोरिथम दैट कन्वर्ट द ट्री इनटू अ बाइनरी ट्री, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो कि आपको, और मैंने कोड भी डाल दिया है सी लैंग्वेज में ताकि आप लोग को मतलब जो भी समझने में आसानी हो, और आपके जितने भी एवेलुएटर हैं जो कॉपी चेक्स करेंगे, चेकिंग करेंगे, वो आपको अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो देख लो आप, यहाँ से स्टार्टेड है। अब वीडियो को मतलब स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं और आप बढ़ा भी सकते हैं, इसमें आपको प्रोवाइड होता है, यूट्यूब प्रोवाइड करता है ये फंक्शंस आपको। वीडियो को स्लो मोशन में भी आप कर सकते हैं अगर आप पीडीएफ गेट करना चाहते हैं वो भी, और ये जो पीडीएफ का पासवर्ड वगैरह होगा वो इसी वीडियो के मिड पॉइंट में आपको दिखाया जाएगा। तो पासवर्ड के लिए मैसेज मत किया करो कि ईमेल बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मैम पासवर्ड आपको वीडियो में ही दिखा दिया जाता है, ठीक है। इसका आउटपुट ये निकल के आया है, ठीक है। आउटपुट इज व्हाट, फॉलोइंग द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ कन्वर्ट बीएसटी लाइक दिस, ओके। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट मल्टीपल स्टैक इन अ क्यू, इफ यस तो जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। मतलब यस और नो दोनों में आपको जस्टिफाई करना है, आखिर है तो क्यों, नहीं है तो कैसे, ठीक है। तो यस इट्स पॉसिबल इन मल्टीपल स्टैक इन अ क्यू बिकॉज क्यू जो है एक से ज़्यादा कर सकते हैं, यानी टू एटलीस्ट कर ही पाता है। फर्स्ट की वैन कॉलिंग इन क्यू ए मेथड सिंपली पोस्ट द एलिमेंट इनटू द स्टैक एंड वन सेकेंड इज ड्यू टू मेथड इज कॉल्ड पुश एंड ऑल एलिमेंट्स आर फ्रॉम वन इनटू द स्टैक विच रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो आप लोग उस तरीके से वो जो एल्गोरिदम है मैंने यहाँ दिखा रखा है, देख लेना, ओके। थर्ड क्वेश्चन में कि लिस्ट द नेम ऑफ ऑल सर्च एल्गोरिदम, राइट। आपको सबसे पहले नाम लिखना है कि जितने भी आपके सर्च एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर में प्रोवाइड आपको किए गए हैं सिलेबस में, उसको लिखना है एंड देन कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में बताना है, जो वर्स्ट केस है, एवरेज केस है और बेस्ट केस है, राइट। तो उसको उसके बाद ये क्वेश्चन में भी ये भी बताने को कह रहा है कि लिस्ट एज मैनी नेम ऑफ एज अ पॉसिबल अलॉन्ग देयर ईयर इन्वेंशन और इन्वेंटर, राइट। तो सी यहाँ है आपका लिस्ट, लीनियर, बाइनरी, जंप,
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने किया है क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी होता है आपके असाइनमेंट्स में। ओ या हेयर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी मैंने दे रखा है, बट स्पेस मांगा नहीं था, बट ठीक है अब डाल दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। सी बेस्ट और एवरेज और वॉस सारे के सारे मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। सी यू कैन सी देयर। और मैंने यहाँ पे बताया कि कहाँ कहाँ इन्वेंट हुआ, मतलब कुछ भी जो भी हुआ मतलब होने वाला है या हो रहा है जिन्होंने किया वो सारे को मैंने बता रखा है। बट आई डोंट थिंक सो कि इस ईयर दिस ईयर में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है किसी भी चीज़ में। ठीक है दैट फोर क्वेश्चन है कि राइट द एल्गोरिथम फॉर क्रिएशन ऑफ एवीएल ट्री। आर यू नो एवीएल ट्री व्हाट इज स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म होता है एडल्शन वेल्सकी एल लैंगस। ठीक है तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये एक बार पूछ दिया था, तो पता होना चाहिए। आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एवीएल का फुल फॉर्म एटलीस्ट पता होना चाहिए। और ये जो इन्वेंटर थे उन्हीं के नाम पे ये नाम आया था। ओके सो हियर फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि कौन सा ट्री मतलब एवीएल ट्री है और कौन सा ट्री एवीएल नहीं है, राइट। उसके बाद मैंने कुछ स्टेप्स बताए, जैसे कि वहाँ पे बताया था कि एल्गोरिदम आपको बताना है तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताए। फिर ऑपरेशन करके भी बताया कि कैसे परफॉर्म होता है मैंने ऑपरेशन, लेफ्ट लेफ्ट केस, लेफ्ट राइट केस ना, राइट राइट केस, राइट लेफ्ट केस, सारे को मैंने बताया। एंड फिर मैंने एग्जांपल डाला कि नोड जो भी है इंस्टॉल हो रहा है एंड डिस्क्राइब करने की कोशिश की है काफ़ी। मैंने यहाँ जो देख पा रही थी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि ये कट गया है थोड़ा सा, तो आप लोग इसमें से चेकआउट करके आप लोग जो मिस आउट होगा उसको फिल कर लेना, राइट। सो सब्सक्राइब टू अर्पिता शिल्पी चैनल। ओके सो ओके दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेमेस्टर के भी असाइनमेंट अपलोड होंगे फास्ट फास्ट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपलोड होंगे। वीडियो में और चैनल पे बने रहें एंड जो भी थर्ड सेमेस्टर का जो इतना भी असाइनमेंट होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड होगा, तो इधर उधर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सीधे यहीं पे इस वीडियो पे क्लिक करना और मतलब चेकआउट करते रहना क्योंकि अपडेट होते रहेगा। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो में अपलोड किया अभी BCS 012 का, तो वो भी आप लोग लिंक को देख लेना जो भी आप हैं। ठीक है सो टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।